फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं गट्टे के चावल। तो गट्टे के चावल बनाने के लिए गट्टे के जो डो रेडी करने हैं उसके लिए सबसे फर्स्ट हम लेंगे बेसन, ऐड करेंगे जीरा, हींग, स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर। अगर तीखा खाते हैं तो लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है। और थोड़ा मोन के लिए, ताकि हमारे डो सॉफ्ट हो, उसके लिए हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सरसों तेल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, पहले जितना हमने ऑयल डाला ना, उसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, हल्का हल्का पानी डालते हुए हमें इसे गूंध लेना है अच्छे से। फ्रेंड्स, इसको ना ज़्यादा पानी डाल के नहीं गूंदना, नहीं तो अगर आपका बेसन लिक्विड हो जाएगा ना तो डो बनने मुश्किल हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और फिर इसे अच्छे से मिक्स करें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारा जो डो का जो आटा होगा ना, वो थोड़ा सा सख्त होगा, ठीक है, वो इस टाइप का होगा। अब हम इसे छोटे छोटे डो बना लेंगे इसके। फ्रेंड्स, जो गट्टे है ना, वो आप इसे गोल भी बना सकते हो और इसे लंबे भी बना सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप कैसा पसंद करते हो, ओके। फिर इसे गर्म पानी के साथ 5 से 10 मिनट तक बॉईल कर लेना है। जब आपका पानी हल्का गर्म हो जाए, जो आपने डो बना के रखे हैं वो इसमें ऐड करते जाए। जब तक आपने बेसन के डो बनाए हैं गट्टे के, तब तक आप जो चावल बनाने वाले हो, जिन चावल के साथ में हम ऐड करेंगे, वो चावल बिठा दें, पका लें चावल को पहले। जब तक आपके बेसन के डो रेडी हो रहे हैं, ठीक है, आप कढ़ाई में तेल और घी कुछ भी गर्म कर लें, उसमें जीरा ऐड कर दें। जीरा भूनने के बाद में थोड़ा सा भून रेड हो जाएगा, आप थोड़ा सा फिर से हींग ऐड कर दें इसमें, एंड फिर कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन, अदरक को डाल के मंदी आंच में थोड़ा सा भून ले। जब आपके लहसुन थोड़े से ब्राउन होने लगेंगे ना फ्रेंड, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमारे लहसुन जो है थोड़े से ब्राउन हो गए हैं, ओके, अब हम इसमें जो चॉप किए हुए प्याज है वो भी ऐड कर देंगे और इसे मंदी आंच में ही भूनेंगे। फ्रेंड्स, आपको गट्टे के डो को ना अच्छे से सिझाना है, ठीक है, ताकि ये जो हार्ड ना रह जाए, खाने में सॉफ्ट लगे, ठीक है। अभी हम देख पा रहे हैं हमारे इतना डो अच्छे से सीधे नहीं है, इसे थोड़ा सा और सिझाना है हमें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे प्याज थोड़े ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें आप अपने स्वादानुसार नमक ऐड कर दें और आप इसमें कटे हुए टमाटर भी ऐड कर सकते हो, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड फिर आपको इसे अच्छे से मिक्स करके टमाटर पकने तक वेट करना है। फ्रेंड्स, ये हमारा डो रेडी हो गया, देख रहे हैं आप, सॉफ्टली अच्छे से टूट जा रहे हैं, ओके। तो अब हमें क्या करना है, ये सब्जी हमारे टमाटर वगैरह अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब जो भी डो है हमारे वो इसमें ऐड कर देंगे। ये गट्टे के डो मैंने ऐड कर दिए हैं और इसे मैं हाफ कर देंगे और इसे ना 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि इसका जो थोड़ा सा इसमें जो थोड़ा पानी रह गया है डो में, वो थोड़ा एब्जर्ब हो जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे गट्टे ना पूरे ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें जो चावल उबाले हैं, आप चावल की जगह कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, बासमती राइस, अरवे चावल, जो भी चावल आप खाते हो वो ऐड कर सकते हो इसमें। एंड चावल डाल के आप इसे अच्छे से मिक्स करके कम से कम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लो। तो फ्रेंड्स, ये हमारे गट्टे के चावल रेडी हैं। आप इससे आलू की सब्जी, किसी भी सब्जी के साथ ट्राई कर सकते हैं, और इवन आप अगर रायता के साथ खाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू फ्रेंड्स, बना के देखिए, खा के देखिए, अगर आपको अच्छा लगे ट्राई कीजिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।